हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। शिक्षक ने छात्र को पीट पीट कर हत्या कर दी। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। हाजीपुर वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मरीचा राम में शिक्षक ने छात्र को पीट पीट कर हत्या कर दी और स्कूल से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। मृतक छात्र पहचान मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय मनोहर प्रसाद गुप्ता के 14 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार के रूप में की गई है। और वहाँ सब लोग लाने के लिए गया तो बच्चा बम मरा हुआ था, तो वहाँ लेके गया तो वहाँ भी मतलब मिट पाया गया। स्कूल में कोई शिक्षक नहीं थे क्या? शिक्षक थे, लेकिन अब शिक्षक लोग ही नहीं बताएंगे बच्चा का मृत्यु कैसे हो गया, कौन मार दिया, कैसे मरा, वो तो टीचर लोग ही बताएंगे। क्या लगता है आपको? लगता तो है मृत पाया गया, इसका मतलब कौन मार दिया होगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। क्या हुआ? यही हुआ कि हम तो दुकान पर थे, फोन गया यहाँ से तो स्कूल में के बच्चा यहाँ गिरा हुआ था, मनोहर प्रसाद के बेटा गौरव कुमार। कोई स्कूल का मास्टर सब कोई सूचना नहीं दिया, कहीं से भी कोई खबर नहीं मिला। गाँव के कुछ लोग बच्चे सब वहाँ गए, वहाँ से मालूम हुआ कि मनोहर के बेटा यहाँ गिरा हुआ है, कोई देखना ही भला नहीं है। वहाँ मृत अवस्था में पाया गया। क्या आप लोग को लगता है? हमको लगता है कि या तो मास्टर के कोई लापरवाही है या किसी छात्र से झगड़ा झंझट हुआ है, इसमें वो मारा गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ। आप कौन हुए मृतक का? हम इसका चाचा हुए। क्या हुआ? आज लगभग 4:45 के आसपास मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी स्वर्गीय मनोहर साह के पुत्री, जो कि मरचिया पिठिया पर जो मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसका छात्र था। वो स्कूल गया हुआ था और स्कूल आवर में ही उसका वहाँ मृत्यु हो गया, लेकिन स्कूल प्रशासन से घर वाले को कोई सूचना नहीं दिया गया। गाँव के जो लड़का लोग था वो लोग आके बताया कि वो मृत पड़ा हुआ है स्कूल के अंदर, तो लोग घर वाले गए वहाँ, तो वहाँ मृत अवस्था में पाया गया। और स्कूल प्रशासन का इसमें पूरा लापरवाही है। स्कूल प्रशासन न घर वाले को सूचना दिया, न लाश को यहाँ तक लाया, और टीचर लोग स्कूल छोड़ करके भाग गए सारे। और सभी लोगों को शंका है कि वहाँ हत्या करके बच्चा को मतलब कि फेंक दिया गया है। इसमें दो बच्चा को चोट है। ये जो मृत लड़का है इसका नाम गौरव कुमार है, जो स्वर्गीय मनोहर साह का पुत्र हुआ। और हम लोग को जो यहाँ पर आए घटना स्थल पर, तो यहाँ सूचना मिला कि एक और बच्चा है जो उसके साथ था, उसका भी शायद सर फटा हुआ है। अब उसका कैसे सर फटा नहीं फटा, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन अपना जांच करेंगे। क्या स्कूल टीचर लोग मार दिए? क्या लग रहा है? स्कूल के अंदर में मृत पाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि या तो स्कूल का कोई छात्र मारे या टीचर लोग मारे हों। स्कूल के अंदर जब मृत पाया गया तो जाहिर सी बात है कि स्कूल प्रशासन का ही जवाब देंगे, नहीं वही बताएंगे कैसे क्या हुआ घटना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इजाज अहमद खान। क्या हुआ है आप? ये हम यहाँ के पंचायत समिति का पति हैं।